अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली खान, प्रोग्राम आपका अपना गुड मॉर्निंग कोहिनूर। जी हाँ, लेटेस्ट अपडेट, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, सोशल इश्यूज, मामलात आम आवाम के हुकाम तक, ये सारे वो मामलात हैं, ये सारी वो बातें हैं जो आगे तक पहुंचाना हमारी ज़िम्मेदारी है, इस प्रोग्राम की ज़िम्मेदारी है, और ये ज़िम्मेदारी हम अपनी पूरी ईमानदारी के साथ यहाँ बैठे अदा कर रहे हैं। अभी जिस टॉपिक को मैं यहाँ डिस्कस करने जा रही हूँ, ज़ाहिर है कि आपको पता है कि स्टार्ट मेरा पॉलिटिकल टॉपिक से होता है, और आजकल जो सियासी मामलात चल रहे हैं उस पर हर इंसान की गहरी नज़र है। कहीं चार लोग मेहमान किसी के घर आ जाएं तो बात यही हो रही है कि वज़ीर आज़म साहब रहेंगे या जाएंगे, अपोजिशन के पास क्या 172 नंबर पूरे हो गए हैं या फिर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन अभी तक ना कोई पॉलिटिकल पर्सनैलिटी और ना कोई तज़ियाकार इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। वो कहना चाहते हैं कि अभी ये जो अगले प्रोसेस में ये पूरा हफ्ता है, जैसे ही ये हफ्ता जो है वो गुजरेगा बात क्लियर हो जाएगी। अपोजिशन तो बड़े धमाल से कहती है कि 172 क्या, हमारे पास तो इससे भी ज्यादा जो है वो वोट हैं। लेकिन अगर असद उमर साहब की बात को ध्यान में रखा जाए तो वो कहते हैं कि आप पहले हमें जो है वो 172 वोट लेकर दिखाएं। पाकिस्तान में एक अजीब कैफियत है, हर कोई एक दूसरे पर इस तरह चढ़ाई कर रहा है जैसे इस वक्त जो है वो एक जंग छिड़ी है। ये सियासी जंग है, और सियासी जंग में जाहिर है कि आपको पता है बहुत सारी चीज़ें फिर निगलेक्ट भी होती हैं, मामलात अजीब से भी हो जाते हैं, लेकिन इन सारी बातों में जो सबसे ऐसे अहम किरदार अदा करती है वो है अदालत। और अदालत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का एक बड़ा फैसला सामने आया। उन्होंने कहा कि असम्बली की जंग असम्बली के अंदर लड़ी जाए, सड़कों पे लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी वजह से पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जो हुकूमत है, पहले उन्होंने डी चौक पे जलसा करना था, लेकिन अब उन्हें जो है वो परेड ग्राउंड में इजाज़त मिल जाएगी और वो वहाँ पर जो है वो जलसा करेंगे। फिर शाम को जब ट्वीट देखा हमने तो सेंटर फैसल जावेद साहब ने जो है वो ट्वीट कर दिया कि हम परेड ग्राउंड में जो है वो जलसा करेंगे, क्योंकि वहाँ पर ज़ाहिर है कि डी चौक पर इतनी आवाम इकट्ठी हो जाती, हमारे पास जो है जगह कम पड़ जाती, इसलिए हम परेड ग्राउंड में जलसा करेंगे ताकि हमारे पास वहाँ आवाम का जम्मे गफीर इकट्ठा हो और लोग देखें कि कितनी आवाम हमारे साथ है, और ख़ास तौर पे अपोजिशन देखे कि कितनी आवाम हमारे साथ है, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान से कितने लोग जो है वो मोहब्बत करते हैं। अब ये सारी चीज़ें सारी बातें चल रही हैं वक्तन फवक्तन, कभी फवाद चौधरी साहब जो है वो ट्वीट करते हैं उनकी बात सामने आती है, कभी असद उमर साहब जो है वो मैदान में उतर पड़ते हैं, कभी सेनेटर फैसल जावेद साहब जो है वो अपना ट्वीट करते हैं, और ये वो लोग हैं जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब के रूहे रवा हैं, जो उनके दोस्त हैं, अहबाब हैं, जिन्हें जो खबरें होती हैं वो साथ साथ जो है वो उसको ऑन करते रहते हैं और बताते रहते हैं। अभी जो अदालत ने फैसला दिया उसमें कौमी असम्बली की कार्रवाई में मुदाखलत पर कायल नहीं है, और बेहतर होगा कि असम्बली की जंग असम्बली के अंदर लड़ी जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में दो रुकनी बेंच समाअत कर चुका है और ये फैसला सामने आ चुका है। फिर अगर समाअत का थोड़ा सा अहवाल जान लिया जाए तो मैं वो भी आपको बता दूँ कि वकील सुप्रीम कोर्ट बार ने स्पीकर को 25 मार्च को इजलास तलब करने को कहा गया। आर्टिकल 95 के तहत 14 दिन के अंदर इजलास बुलाना होता है। अदालत ने देखना है कि किसी इवेंट के सबब कोई वोट डालने से महरूम ना रह जाए। वोट डालना अरकान का आईनी हक है। अच्छा, उस पर वज़ीर आज़म साहब जनाब इमरान खान साहब का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी अरकान को नहीं रोकूंगा कि वो अगर मेरे खिलाफ वोट डालना चाहता है तो वोट डाल दे। फिर अंदर की कहानी कुछ इस तरह से भी है कि अरकान जो है जो रूठ के चले गए थे अपोजिशन के पास, उनकी वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात भी हो गई, ऑन एंड ऑन मुलाकात हो गई, 1-to-1 मुलाकात हो गई। MNS जो है वो वज़ीर आज़म के सामने जो है वो बैठे हैं, उन्होंने कहा जी हमें तो वज़ीर आज़म से कोई तकलीफ़ ही नहीं है, कोई परेशानी ही नहीं है, हम तो उनसे नाराज़ ही नहीं है, क्योंकि MNS की बात को मान लिया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने। जी हाँ, जाहिर है कि जहाँ पर आपको चलना होता है वहाँ पर आपको सबको साथ ले कर चलना होता है। जिन लोगों को आप इग्नोर करते हैं, निगलेक्ट करते हैं, वही आपके रास्ते की रुकावट बनते हैं। अगर आप सबको साथ ले कर चलने का हौसला नहीं रखते तो फिर मामला और हालात ऐसे ही हो जाते हैं जो इस वक्त हुकूमत के साथ पेश आ रहे हैं। ये जो एक समात हुई, इस समात में जो बहस हुई, जो तकरार हुई, उसका असल मौकफ ये था कि हकूमत को डी चौक पे जलसा करने की इजाज़त ना मिले। और अगर दूसरी तरफ हम ये देखें कि ऐसा जो है वो हो भी गया कि उनको जो है परेड ग्राउंड में शिफ्ट कर दिया गया, मामला तो हालात ऐसे कर दिए गए कि सिलसिला वहीं पर आकर रुक गया जहाँ पर जैसा जो लोग चाहते थे। आज अगर आप देखें जो कल रात की स्पीच थी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, भी जो मीडिया की टॉक थी, और शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे कल, सारा दिन जो है वो आपने स्क्रीन पर यही देखा, बड़े खुश नज़र आ रहे थे। उन्होंने कहा जी अरकान को जो है पूरा अख्तियार होना चाहिए कि अगर वो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक-ए-दम-ए-एतमाद को कामयाब लाने में जो है कामयाब करने में हमें मुआवन साबित होते हैं तो ये
बड़ी अच्छी बात है। अब शहबाज शरीफ साहब की मुस्कुराहट, साथ में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मुस्कुराहट जो स्क्रीन पर सबकी नज़र में रही और उस पर जो है वो बात भी हुई, तज्जिये भी हुए, तो वो शायद ये चीज़ साबित करना चाह रहे थे कि हमने अदालत से डी चौक पर जो जलसा करना था उसकी इजाज़त आपको जो है वो मना करवा दी। अब होगा क्या, आगे प्लानिंग क्या है? सबके जहनों में और मुंह पर एक ही सवाल है कि अब होगा क्या। इवन के जब मैं भी जहां से गुजरूं तो लोग मुझसे यही सवाल करते हैं कि ये तहरीक अदम एतमाद लाने में क्या पोजीशन कामयाब होगी, क्या वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो अपने वोट कायम रखते हुए वजीर आजम रहेंगे, क्या इलेक्शन जो है होंगे उसमें फिर क्या मामलात होंगे या क्या चीज़ें होंगी, ये मामला किस तरफ आगे जाकर जो है वो बैठेगा, और ये आर्टिकल 95 जो है इसके तहत जो जमात में शमूलियत और इज्तमाई तसव्वुर है, इस सब चीज़ों को जो है वो एक मिक्सचर बन चुका है, एक समझ नहीं आ रही कि कैफियत जो है वो क्या हो रही है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो वकील जो हैं, वकला जो हैं, जिन्होंने ये फ़ैसला करवाने में मुआविन साबित हुए, जिन्होंने ये चीज़ें जो हैं वो अदालत से मनवा ली, और चीफ जस्टिस साहब ने जो है वो इस पर साफ और वाजिया कह दिया कि असम्बली की जाएंगे, जाके असम्बली में लड़ें, आपको क्या ज़रूरत पड़ी है कि आप इतने बड़े बड़े जलसे करके जो है वो सारी आवाम को इकट्ठा करके जो है वो कोई फितना या फसाद जो है वो बरपा हो। और सच्ची बात है कि अगर पाकिस्तान में कैफियत ये नहीं है, अब हम मज़ीद जो है वो कोई शोर शराबा या फितना फसाद बर्दाश्त नहीं कर सकते ना, तो इस वजह से हमें मुफामत की तरफ बढ़ना होगा। और मुफामत ऐसे नहीं कि आप जो है वो अपोजिशन के साथ हाथ मिला लें, चलें ऐसी मुफामत नहीं चाहते, तो कम से कम ऐसी मुफामत कि आप अल्लाह पर छोड़ दें। अरकान अगर आपको वोट देते हैं, ये असम्बली की जंग है, ये बार की जंग ही नहीं है कि इसमें कितने लोग जो है वो इकट्ठे कर लिए जाएं, तो इस पर बात करेंगे और इस पर हमारे साथ जो है वो ऑन कॉल मौजूद होंगे जैसे ही हमें ज्वाइन करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर सियासी रहनुमा। अभी हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रूह रवां सेनेटर फैसल जावेद साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया फैसल साहब आपने हमें ज्वाइन किया। ये बताइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है, जो तहरीक अदम एतमाद लाने की अपोजिशन भरपूर कोशिशों में है, सबके जहनों में एक ही सवाल है कि वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब रहेंगे या जाएंगे। अब ये सवाल जो आम इंसान के जहन में पैदा हो गया है, इसका हमारे पास क्या जवाब है? आपका ट्वीट भी आया कल और आपने उसमें कहा कि अगर हमें डी चौक पर इजाज़त नहीं मिलती जलसे की तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम परेड चौक में जो है वो जलसा करेंगे और ज़्यादा तादाद में करेंगे। ये दोनों सवाल जोड़कर आप इसका ज़रा जवाब दे दीजिएगा मुझे। जी बहुत बहुत शुक्रिया नबिया जी। असल में पहली चीज़ तो ये है कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही, हुकूमत पहले से ज़्यादा मजबूत होने जा रही है। सही। और ये मैं आपको बताऊँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जिस दिन वोटिंग होगी जी ये सबको खुशखबरी मिलेगी। मैं कोई दावा नहीं करता, कोई बात नहीं करता, लेकिन मैं आपको रिजल्ट बता रहा हूँ। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इमरान खान साहब जो हैं वो पहले से ज्यादा मजबूत होके आगे चलाएंगे और इलेक्शन होगा जनरल इलेक्शन अक्टूबर 2023 में, और इंशाल्लाह उस इलेक्शन में भी तहरीक इंसाफ अपनी कारकर्दगी की वजह से दो तिहाई अक्सरियत लेकर वापस आएगी। नंबर जी 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 जरूर जरूर बताइए। नंबर टू आपने पूछा जलसा। हाँ। देखिए डी चौक में अब मेट्रो है और वो पीछे स्टेशन बना हुआ है, पहले हम वहां जलसे करते थे। ठीक। अब ये था कि एक तो जाहिर है जो भी हम कानूनी जो भी है हमें इजाजत भी नहीं मिली वहां पे जलसा करने की। ठीक है। हमारी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन जो है इंतजामिया है उन्होंने, और अदालत का जाहिर है हाईकोर्ट का एक फैसला भी है, बिल्कुल ठीक। तो उस तनाजुर में ठीक है हमने दरखास्त की थी और वो नहीं कबूल हुई। ठीक। तो अब हम परेड एवेन्यू पर दरखास्त दे चुके हैं और अब हम परेड एवेन्यू पर जलसा करने जा रहे हैं, और वाकई में ये जगह हमें छोटी पड़ जानी थी जिस तादाद में लोग आ रहे हैं। हाँ। पहले हमें अंदाजा नहीं था कि इतने ज्यादा लोग आए, लेकिन अब हमें पता चल रहा है कि वो 10 लाख से भी कहीं ज्यादा, तो वो बिल्कुल छोटी जगह पड़ जानी थी। बिल्कुल सही। हम परेड एवेन्यू पे कर रहे हैं और आप इंशाल्लाह, वो भी मैं कोई दावा नहीं करता, आप देखेंगे, और हम चाहते हैं अपोजिशन भी जलसा करे, F9 पार्क में कर लें, वो बहुत बड़ी जगह है। सही। और वो उधर जलसा करें और फिर कंपैरिजन भी हो जाए। कह तो रहे हैं कि वो 23 मार्च को जलसा करने के लिए जो है वो जा रहे हैं, वो भी पावर शो कर रहे हैं। अच्छी बात है, करें, सो बिस्मिल्लाह, वेल डन, वेरी गुड। सही है। अच्छा ये बताइए, जो खुशखबरी आपने मेरे प्रोग्राम में दी है कि इंशाल्लाह ताला वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब जो है वो कहीं नहीं जा रहे हैं और आप देखेंगे इस बात को, ये अपोजिशन के लिए भी खुशखबरी है, उनको भी सुना दूं? अपोजिशन का तो हम खैर शुक्रिया अदा करते हैं कि वो ये लेकर आए हैं तहरीक अदम एतमाद, जिसकी वजह से हमारी पार्टी के अंदर जान आ गई है, हमारे फॉलोअर्स के अंदर एक जान आ गई है। पहले तो बड़े रिलैक्स कर रहे थे सारे और मदम मदम चल रहे थे, लेकिन अब एकदम से उनके अंदर जो जज्बा जुनून जो आ गया है उसके लिए तो जितना भी बिलावल का, शहबाज शरीफ साहब का, मरियम नवाज साहिबा का,
सबका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मरियम नवाज साहिबा तो न्यूट्रल की बात करती हैं, तो इसमें इस हवाले से आप क्या कहेंगे? इनके वालिद साहब और ये जिस तरह से हमेशा से इन्होंने इदारों पे अटैक भी किया और जो जुबान भी इदारों के हवाले से इस्तेमाल की वो माजी करीब का हिस्सा है और आप सबके सामने है, सियासत के अंदर उनको लेकर आते रहे और हम ये समझते हैं कि तमाम इदारों को, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, बाकी अदारे हों, सबको गैर जानबदार होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और गैर जानबदारी होनी चाहिए। सही। अच्छा ये बताइएगा, एमएनएस की मुलाकात हुई है वजीर आजम से 1-to-1, तो इस जरा मुलाकात का अहवाल भी बता दीजिए। और अब तो वो काफी आप लोगों से कह रहे हैं कि नाराज अरकान जो है वो वापिस आ रहे हैं, तो क्या दरवाजे खुले हैं? जी हाँ, दरवाजे खुले, हमने शो कॉज नोटिस दिया हुआ है, 7 दिन है उनके पास और 4 उनमें से वापस आ गए। अच्छा। और उन्होंने रब्ता किया है और उन्होंने कहा कि ठीक है जी, हमसे गलती हुई है और सही अच्छी बात है और ये भी अच्छी चीज है और दरवाजे खुले हुए और मजीद भी वापस आएंगे। और लग ये रहा है नबिया कि ये ऑपोजिशन जो है ये 172 तो दूर की बात है, ये मेरा ये ख्याल है कि मैं 15 दिन पहले भी मैंने ये बात की थी, 154 नंबर को क्रॉस नहीं कर सकेंगे ये। सही सही। अच्छा शेख रशीद साहब कहते हैं कि माल अपोजिशन का खाओ और मामला हमारे साथ ठीक रखो, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखें बात ये है कि वो तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है कि अगर आपने पैसे पकड़ लिए उनके पास तो सारे हराम के पैसे हैं, चोरी के पैसे हैं, करप्शन के पैसे हैं, वो ले लें और कोई यतीम खाना खोल दे, सियासी यतीम होने से बचे। सही सही। तो उनको एहसास हो गया अरकान को कि हमने गलत किया था, 4 वापस आ गए हैं, 24 कह रहे थे ना हमारे पास हैं, तो 4 आपने जो है वो ले लिए, अभी 20 रह गए। तो 24 तो वो कह रहे हैं ना, तो जो सामने आए हैं जिनकी बयानात आए हैं सामने, उनमें से तो 4 जो हैं वो रास्ते में आ चुके हैं और वो वापसी कर रहे हैं। अच्छा, वो वापसी और कर रहे हैं। बाकी भी आ जाएंगे, लेकिन ये जो सारी चीज हुई है इसमें भी अल्लाह का शुक्र है कि ये सब चीज हुई है, तो आज पूरी कौम जो है वो देख रही है कि हमारे यहाँ ये सारी। जी, तो सेनेटर फैसल जावेद साहब की बात आपने जो है वो सुनी कि वो उन्होंने साफ और वाज़ेह अल्फाज में मेरे प्रोग्राम में ऑन एंड ऑन कह दिया है कि अब आप ये तसल्ली रखें कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब कहीं नहीं जा रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया सेनेटर फैसल जावेद साहब आपका कि आपने जो है वो हमें ये एक खुशखबरी दे दी है, ब्रेकिंग दे दी है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान कहीं नहीं जा रहे हैं। अब नंबर्स जो हैं वो हुकूमत कहती है कि हमारे पास पूरे हैं और जलसा जो है वो परेड एवेन्यू में करने जा रहे हैं और बड़ी तादाद में जो है वो जलसा होगा। कल आपने सेंटर फैसल जावेद साहब का ट्वीट भी देखा और आज हमने उनको ऑन कॉल इसीलिए लिया कि ताकि वो इसकी भी वजाहत कर दें, तो ये प्रोग्राम में वजाहत भी हो गई कि बहुत बड़ा जलसा जो है वो होगा। बल्कि अपोजिशन को भी उन्होंने कह दिया कि भाई आप भी जलसा कर लें, कोई ऐसा मसले मसाइल वाली जो है वो बात नहीं है, आप भी जलसा करेंगे तो हमें उतनी खुशी होगी और आप भी अपना पावर शो उतने ही आराम से जो है वो करें। और ये जो सिलसिला चल पड़ा है इसमें सबसे अहम बात जो है ना वो ये है कि चीफ जस्टिस साहब ने फरमा दिया है कि आपने जो असम्बली की जंग है वो असम्बली में लड़नी है, सड़कों पे नहीं लड़नी है। लेकिन क्योंकि हुकूमत भी और अपोजिशन भी इस टाइम जो है वो अपना पावर शो करने के लिए तैयार है, तो लेट्स सी, देखते हैं जनाब। और आपको पता है कि हमेशा से आपको जो है वो जलसों में ऑन एंड ऑन सब चीज़ें नज़र आती हैं, सेंटर फैसल जावेद साहब का ये बयान सामने आना एक लोगों के लिए और आवाम के लिए एक जवाब है मेरे प्रोग्राम की तरफ से कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब कहीं नहीं जा रहे। अब आप लोगों को जवाब मिल गया, मुझे उम्मीद है कि अब आप जो है वो ये सवाल किसी एक दूसरे से नहीं करेंगे, आज आपको जवाब मिल चुका है। इसी के साथ ब्रेक लूंगी, ब्रेक के फौरी बाद वापस आते हैं, आपको यहीं से ज्वाइन करते हैं, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं मॉर्निंग कोहिनूर, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। भगत सिंह से आप सब लोग वाकिफ़ हैं, 1931 में लाहौर शादमान चौक पे फांसी दी जाती है एक ऐसे नौजवान को
जिसका ताल्लुक सिख कम्युनिटी से होता है। ये उस वक्त अंग्रेज़ों की हुकूमत है, आपको याद दिलाती चलूँ कि 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ, ये 1931 की बात कर रही हूँ मैं। 91 साल बाद केस का फैसला आता है, ये केस पहले दायर किया गया लेकिन रिजेक्ट कर दिया गया। अब फिर दोबारा जो है जब इसको दायर किया गया कि भगत सिंह जो एक सिख कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाला नौजवान था जिसे उस वक्त में फांसी दी गई एक मशवरा देने के, अच्छा मशवरा देने के हक में, उस वक्त जो है वो अंग्रेज़ों को ये बात हज़म ना हुई और उन्होंने उसको जो है वो फांसी पर सरेआम लटका दिया था, तो उस पर एक केस दायर हुआ था कि इसको शहीद करार दिया जाए और इसकी बरसी मनाने के लिए लाहौर शादमान चौक पर जो है वो इजाज़त दी जाए। लेकिन फिर वो केस जो है वो रिजेक्ट हो गया, फिर दोबारा जो है केस दायर किया गया और ये केस फिर दोबारा जो दायर किया ये भगत सिंह फाउंडेशन के जो चेयरमैन हैं उन्होंने किया और फिर अब उनको कामयाबी हासिल हुई और बरसी मनाने वालों के लिए जो है वो फुल सिक्योरिटी प्रूफ इंतजाम के लिए CCPO लाहौर को बता भी दिया गया है, अहकाम जारी भी कर दिए गए हैं अदालत की तरफ से। अब पाकिस्तान की अदालत का इतना बड़ा फैसला आना 91 साल बाद, लगभग 100 साल की बात हो चुकी है, ये छोटी बात नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त स्टैंड कर रहा है उन मुमालिक में जहां अकलियतों को भरपूर तरीके से पजीराई दी जाती है, जहां अकलियतों के तहफ़ किया जाता है, जहां अकलियतों के मज़ाहिब को तहफ़ दिया जाता है, जहां वो अपनी मर्ज़ी से कहीं भी इबादत गाह में जा सकते हैं, आ सकते हैं। पूरी दुनिया में इस एक फैसले के आने के बाद खलबली मची और ख़ास तौर पे भारत में, वहाँ तो मचनी ही थी, उनको तो ये तकलीफ़ होनी ही थी कि ये इतना बड़ा फैसला 91 साल बाद जो है वो कैसे आ गया कि भगत सिंह की बरसी मनाने के ऑर्डर्स जो है वो जारी कर दिए गए और लाहौर शादमान चौक पे अब उसकी बरसी के लिए जो है वो जो है लोग एहतमाम करेंगे, वहाँ जो लोग आएंगे उनमें सिख कम्यूनिटी भी होगी, उसमें मुसलमान कम्यूनिटी भी होगी, तमाम कम्यूनिटीज़ जो है वो उसमें शामिल होंगी। काफ़ी अर्से तक सिख ये समझते रहे कि हिंदू उनके दोस्त हैं, लेकिन हिंदू किसी के दोस्त नहीं हैं और ये बात साबित हो गई और साबित कर दी कि जब भारत में मुसलमानों पर जुल्म ढाए गए, जब भारत में मुसलमान औरतों की इज्जत को तार तार किया गया, जब भारत में मुसलमान होने के लिए या मुसलमान होने का अगर ठप्पा आप पर लगा है या आप मुसलमान हैं तो उनके लिए ये बहुत बड़ी तकलीफ़ की बात है और BJP ने वहाँ पर जो है वो बड़ी खून रेजी और इस तरह से जो है वो लोगों को वहाँ अपने मज़हब के तौर पर जीने की इजाज़त नहीं दी, ये बात कुछ अरसे बाद समझ आ गई हमारे बहुत ही प्यारे सिखों को भी कि सिख भाई बहनों को भी कि हिंदू उनके दोस्त नहीं हैं बल्कि मुसलमान उनके दोस्त हैं। आप देखिए करतारपुर की बात हम कर लें, बाबा गुरु नानक की बात कर लें, तो उनकी बरसी नहीं मनाई जाती, हम जो है वो अकलियतों को तहफ़ नहीं देते, हमने वेलकम किया, दरवाजे खोले, वो कॉरिडोर खोला कि जो करतारपुर जो है वो सीधा जाता है वहाँ पर जो है ज़्यारत के लिए आ जा सकते हैं लोग। भारत ने क्या किया सिवाय नुक्ताचीनी करने के, दूसरों पर उंगलियां उठाने के? और भगत सिंह के इस फैसले के आने के बाद तो वहां के मीडिया में जो है वो खलबली मच गई है कि पाकिस्तान की अदालत ने ये क्या फैसला कर दिया है। हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं आज़म भट्ट, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है भगत सिंह पर, पहले वो रिपोर्ट देखते हैं और उसके बाद वो इस टॉपिक पर बात करूँगी क्योंकि ये छोटी बात नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए इस वक्त बहुत बड़ी बात है। पहले रिपोर्ट देखते हैं उसके बाद आपसे बात करते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में 91 साल पुराने भगत सिंह केस की समाप्त, केस की रिट पटिशन भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन की जानिब से इम्तियाज रासिल कुरैशी की दायर की, तो खास गुजार ने अपनी रिट पटिशन में मौकफ अख्तियार किया है कि 23 मार्च 1931 में शादमान चौक में भगत सिंह, राजगुरु और सिख देव को उस वक्त के रजिस्ट्रार हाई कोर्ट के ब्लैक वारंट के हुक्मनामा पर फांसी पर लटकाया गया था। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने 109 के जुर्म में फांसी पर लटकाने का हुक्म दिया जो गैर कानूनी गैर आइनी है। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट के पास किसी को फांसी पर लटकाने का कोई इख्तियार नहीं, अदालत इस इकदाम को कलदम करार दे और हमें शादमान चौक में 91 सालाना बरसी मनाने की इजाजत दी जाए और हमें मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाए। रिट पटिशन में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, IG पंजाब और CCPO लाहौर को फरीक बनाया गया था। जस्टिस आबदी शेख की अदालत में भगत सिंह मेमोरियल की जानिब से, सीनियर एडवोकेट खालिद जमान काकड़ की जानिब से दलाइल पेश किए गए। जस्टिस आबदी शेख ने वकला के दलाइल सुनने के बाद शादमान चौक में भगत सिंह की सालाना बरसी मनाने के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी की देखा आपने कि भगत सिंह ने किस तरह से बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए
एक मशवरे की बेस पर उसको जो है वो फांसी दी गई। इसकी डिटेल्स जो हैं वो हम लेंगे, हमारे रिपोर्टर भी यहाँ मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले, क्योंकि भारतीय मीडिया इस पर बहुत वावेला कर रहा है, भारतीय मीडिया ने कहा कि पाकिस्तान की अदालत ने जो है जी लगभग 100 साल बाद जो है वो ऐसे कह दिया कि भगत सिंह की बरसी जो है वो मनाने के ऑर्डर्स जारी कर दिए गए। तो भाई हम यहाँ अकलियतों के तहफ़ के लिए बैठे हैं, हमारे मुल्क के पाकिस्तान की सरजमीन का जो झंडा है ना हमारा, उसमें दो रंग नुमाया है। एक ग्रीन रंग है जिसे सब्ज रंग कहते हैं, जो कि निशानदेही करता है कि हम मुसलमान हैं और इस मुल्क में मुसलमानों की तादाद है। फिर एक सफेद रंग है। अगर हमारे झंडे में ही दो रंग ना होते तो शायद हम आपकी बात जो है वो एक्सेप्ट करते या मानते या आपको जो है वो जवाब ना देते। लेकिन हमारे झंडे में जो दूसरा सफेद रंग है वो ये जाहिर करता है कि ये अकलियतों का भी मुल्क है और यहाँ पे अकलियतों को भी उतना ही तहफ़ दिया जाता है जितना मुसलमानों को तहफ़ दिया जाता है। हम कोई भारतीय थोड़ी हैं, भारत से हमारा ताल्लुक थोड़ी है कि कोई मुसलमान वहाँ पर जिंदा नहीं रह सकता। किसी मुसलमान को अपने मजहब के अतवार से जो है वो जिंदगी गुजारने का आप हक नहीं देते हैं, या फिर वहाँ मुसलमानों का बेदरेक जो है वो कत्ल किया जाता। तो भारतीय मीडिया ये बात समझ ले कि इस इतने बड़े फैसले का आना अकलियतों के तहफ़ को जाहिर करता है। हमारे रिपोर्टर यहाँ पे मौजूद हैं आज़म भट्ट, उनसे पूछते हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा आज़म, आपने जब ये रिपोर्ट तैयार की, आपके लिए भी जो ये इतने अरसे बाद लगभग 100 साल बाद जो है वो ये फैसला आना, दो दफ़ा ये दायर किया गया केस, तो ज़रा डिटेल तो बताएं हमें इसकी। ये इम्तियाज़ राशिद कुरैशी भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन के चेयरमैन हैं जी, उनकी जानिब से एक रिट पटिशन लाहौर हाईकोर्ट में दायर की जाती है कि भगत सिंह को शादमान चौक में और उनके दिगर साथियों को फांसी पर लटका दिया गया था, और जो कि एक जुडिशल मर्डर था जी, लिहाजा वो ब्लैक वारंट जो निकाला गया था भगत सिंह का, वो एक रजिस्ट्रार ने निकाला था, जो कि रजिस्ट्रार के पास ब्लैक वारंट निकालने की कोई पावर, कोई कानूनी इख्तियार नहीं होता, लिहाजा अदालत इस जो इकदाम था उसको कलदम करार दे। इसके अलावा साथ रिट पटिशन में एक मौकफ यह भी इख्तियार किया गया था कि हम शादमान चौक जहां पर भगत सिंह और उसके साथियों को फांसी पर लटकाया गया था उनकी वहां पर सालाना बरसी मनाना चाहते हैं, तो वहां पर हमें बरसी मनाने की इजाज़त दी जाए। चूँकि ये गवर्नमेंट की जानिब से अक्सर जो है वो सरकारी अदारों की जानिब से हीले बहाने किए जाते हैं, जिसके बाद लाहौर हाई कोर्ट में ये मौकफ इख्तियार रिट में किया गया था, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आबद अजीज शेख साहब ऑनरेबल कोर्ट ने बकायदा तौर पर वकला के दलाइल सुनने के बाद, सरकारी प्रोसिक्यूशन के दलाइल सुनने के बाद, सरकारी वकला की बहस सुनने के बाद, और इम्तियाज़ राशिद कुरैशी वकील जो हैं उनकी बहस सुनने के बाद बकायदा फैसला जारी किया, सीसीपी लाहौर हुक्मनामा जारी किया कि इनको शादमान चौक में जो सालाना बरसी है वो करने की इजाजत दी जाए, क्योंकि यहाँ पर अकलीतों को मुकम्मल तौर पर आजादी हासिल है। बिल्कुल है, अदालती फैसले से जो पाकिस्तान का इमेज इंटरनेशनल लेवल पे गया, उस हवाले से जाहिर है कि हम ये चीज देखते हैं कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे अमन का दाई, अमन का मुल्क करार दे दिया गया है। और हो भी क्यों ना, अब आप ये देखिए हमारा क्रिकेट हो या हमारे और मामला हो, जब दूसरे मुल्क के लोग हमारे पास यहाँ पर आते हैं तो उनकी फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाते हैं, और हमारा मुल्क जो है वो फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने में हमेशा से आगे रहा है। तो फिर अब ये जो बरसी का सारा सिलसिला किया जा रहा है, इसमें जो लोग आ रहे हैं उनकी क्या डिटेल्स आपके पास हैं कि वो कौन लोग होंगे, उनका ताल्लुक जो है उसी कम्युनिटी से होगा, कौन कौन सी कम्युनिटी से होगा? जी बिल्कुल, ऐसे ही है, जब ये बरसी मनाई जाती है तो इसके बकायदा इनविटेशन जारी किए जाते हैं। अब रिट पटिशन जो दरख्वास्त गुजार इम्तियाज राशिद कुरैशी था, उसने अदालत में यही मौकफ इख्तियार किया था अपने रिट में, चूंकि हम सबको इनविटेशन जारी कर चुके हैं। अच्छा। ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे इन्विटेशन होते हैं, इसमें भारत से भी लोगों को मधु किया जाता है, जो पाकिस्तान में हाई कमिश्नर है भारत के उनको भी ये इन्विटेशन भेजा जाता है, इस्लामाबाद से भी लोग आते हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से, सूबों से लोग जो है यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। फिर इसमें एनजीओ शामिल होती हैं, सोशल वर्कर होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, कॉलमिस्ट होते हैं, इसमें बहुत सारे लोग जो है इस बरसी में जो है वो शामिल होते हैं, दूसरी अकलीतों के लोग भी आते हैं, और बाकायदा तौर पर भगत सिंह की बरसी आज़म की कितनी बड़ी और मुश्किल बात है किसी भी मुल्क के लिए कि इस तरह दूसरी अकलीतों को प्रमोट करना और फिर उनको तहफ़ फराम करना, ये आसान काम नहीं है, इसके लिए दिल जिगरा बहुत बड़ा करना पड़ता है, और पाकिस्तान का दिल जिगरा जो है वो बहुत बड़ा है, हमेशा से जो है वो दिल खोल कर हम दूसरी अकलीतों का इस्तकबाल करते हैं, उनको पूरा जो है वो यहाँ पर तहफ़ फराम किया जाता है। इस फैसले के बाद जो सिख कम्यूनिटी है, उनसे किसी से आपकी बात हुई हो तो उनमें कितने जो है वो इस चीज़ को पजीराई देते हैं? जी बिल्कुल, ऐसा ही है, हमारे पाकिस्तान में अकलीतें मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं, और हमारी अदालतों ने
ये फैसला देने के बाद ये साबित किया है कि अदालतें भी अकलीतों के मामलात में बिल्कुल फ्री हैं और इसमें कोई किसी किस्म का दबाव जो है वो नहीं लेती। हमारी लाहौर हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल जज ने जो ये फैसला किया है कि अकलीतें मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं और बाकायदा तौर पर इनके इस फैसले को कनाडा में सरदार गुरचंद सिंह बनवत हैं, चेयरमैन हैं पंजाबी फाउंडेशन के भी, और डायरेक्टर जन्नी तू करतारपुर हैं, आपको याद होगा यहाँ पर बस चलाकर वो आए थे और बड़ी फेमस शख्सियत हैं वो, उनकी भी मेरी फ़ोन पर बात हुई थी और उन्होंने बाकायदा तौर पर इस फैसले को खुशाइन करार दिया है। बल्कि इंटरनेशनल मीडिया ने KN चैनल के वसात से जो इसको बकायदा वहाँ पर भी जो है वो चलाया है और ये KN न्यूज़ का ही क्रेडिट है कि जो आज हम ये फैसले को डिस्कस कर रहे हैं और सबसे पहले और फर्स्ट पे हमने इस चीज़ को जो है पूरी दुनिया में जो है नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे ये मैसेज दिया है और ये KN TV का मैसेज ही गया है। और जैसे ये अदालतें आज़ाद हैं, KN TV भी बाकायदा तौर पर पूरी दुनिया में बैठे सिख कम्युनिटी है, चाहे ईसाई हैं, चाहे वो चर्च हैं, चाहे वो गुरुद्वारे हैं, उनको ये पैगाम दिया है कि हम भी बाकायदा तौर पर इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं अपने प्लेटफॉर्म से, जिसमें पाकिस्तान की इज्जत और वकार में इजाफा होता है। हम पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं, हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है एज अ मुस्लिम भी और एज अ पाकिस्तानी भी, दोनों ही सूरतों में। झंडे में भी सफ़ेद और सब्ज रंग है और इस्लाम का भी तकाजा है कि दूसरी अकलियतों को, दूसरे मजाहब को जो है वो आपने इज्जत देनी है। हमारे तो अल्लाह ने फरमा दिया है कि दूसरे खुदाओं को बुरा मत कहो कि वो तुम्हारे खुदा को बुरा ना कहें। तो आप देखिए कि जब हमारी तालीमात ही का आगाज़ ये है कि हमने किसी को बुरा नहीं कहना, जो जो कर रहा है वो अपनी ज़ात के साथ जो है वो रिलेट करता है, उसका और अल्लाह का मामला है। लेकिन हमने जब अकलियतों की बात की, जब ये जो है वो बात हुई, भगत सिंह की बात हुई, तो ये केस तो काफ़ी अरसे से चल रहा था। ये तो मैं समझती हूँ कि सिख कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ी जीत भी है और बहुत बड़ी बात भी है कि बरसी मनाने के लिए उनको शादमान चौक पर अब फुल सिक्योरिटी में जो इंतजाम उनके कर दिए जाएंगे। तो अभी जो है वो हमारे साथ तो मौजूद हैं ऑन कॉल चेयरमैन भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन इम्तियाज़ राशिद कुरैशी साहब, उन्होंने भी हमें टेलीफोन लाइन पर जो है वो ज्वाइन किया है, तो उनसे भी ज़रा आनंद साहब बात कर लेते हैं कि उन्होंने ज़ाहिर ये केस दायर किया तो वो कैसा जो है वो महसूस कर रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं इस वक्त, और फिर जो लोग आ रहे हैं इन्विटेशन कहाँ कहाँ गए हैं सबसे बड़ी बात। जी इम्तियाज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आप ठीक हैं मेरी बहन? जी जी भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आपके लिए तो जाहिर बात है कि ये बहुत बड़ी बात है कि आपने भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन की तरफ से एक केस रजिस्टर्ड किया और उसमें आपको कामयाबी हासिल हुई। ये अल्लाह का शुक्र है, मेरे प्यारे रब का, मेरी माँ की दुआएं हैं ये सब, और भगत सिंह राजगुरुदेव के दुनिया भर से करोड़ों लवर्स की मुझे हमायत हासिल है और उनकी दुआओं के नतीजे में आज हमने विक्ट्री हासिल की लाहौर हाईकोर्ट से। अच्छा ये बताइएगा कि ये कितनी बड़ी प्लेजर की बात है कि एज अ पाकिस्तानी जो है वो अकलियत का जहाँ पे तहफ़ की बात आती है तो पाकिस्तान द वन एंड ओनली कंट्री के जो हर अकलियत को जो है वो तहफ़ देने में इसमें सबसे पहले रहते हैं, इस पे आप क्या बात करेंगे? मेरी बहन सबसे पहले तो दुनिया भर में हमने एक मैसेज कन्वे किया है आज का, ये जो हमने पिटीशन लाहौर हाईकोर्ट में फाइल की थी कि मुसलमान मतसब और तंग नजर नहीं होते जी, बल्कि अपने हीरो का एहतराम करते हैं, हीरो का किसी भी मजहब और धर्म से ताल्लुक क्यों ना हो। यही वजह है कि हम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के दिन हर साल यहाँ मनाते हैं। भगत सिंह कोई छोटा आदमी नहीं था, एक बहुत बड़ा नाम था शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का। भगत सिंह जो कि अंग्रेजों के इंसाफ की भेंट चढ़े, उन्होंने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के मामले में हमें कोई इंसाफ नहीं दिया था। जुर्म की हद तो ये कर दी गई थी कि रजिस्ट्रार लाहौर हाईकोर्ट के जारी किए गए ब्लैक वारंट पे उन्हें हैंग कर दिया जाता है जी। उस पे 24 मार्च 1931 डेट दर्ज की, एक डे बिफोर कर दिया जाता है 23 मार्च 1931 को। और फिर इसी तरह बानी है पाकिस्तान कायदे मोहम्मद अली जिन्ना ने, बहुत सारे लोगों के लिए मैंने ये बात मेरी जो मैं आपके टीवी के तवसत से जरूर मीडिया के तवसत से बताना चाहता हूँ जी, और मैं कोहिनूर टीवी का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे मेरी गुजारिश पेश करने का मौका प्रदान किया जी। मैं बात उसी वहाँ से जोड़ रहा हूँ दोबारा से जी, जरूर। बानी है पाकिस्तान कायदे मोहम्मद अली जिन्ना ने 4 सितंबर और 12 सितंबर 1929 को सबसे पहले सेंट्रल असेंबली दिल्ली में शहीद भगत सिंह जी को इन अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया था कि भगत सिंह जैसा बहादुर और जुर्म आज तक बरसगीर पाक और हिंद में पैदा नहीं हुआ। जी बिल्कुल सही। और फिर इसी तरह पाकिस्तान के हीरो, पंजाब के सपूत और पाकिस्तान का सबसे बड़ा इजाज फौजी इजाज पाने वाले मेजर राजा अजीत भट्टी साहब ने अपने एक आर्टिकल में लिखा, भगत सिंह मेरे हीरो और आइडियल हैं।
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आज इतने अरसे बाद जो ये फुल सिक्योरिटी प्रूफ में सीसीपीओ साहब को जो है वो जारी कर दिया गया लामिया के आपने फुल सिक्योरिटी में जो है वो बरसी का एहतमाम करने, किन किन लोगों को इन्विटेशन दिया है, कहाँ कहाँ इन्विटेशन गया है ये और कहाँ कहाँ किस किस मुल्क से लोग आ रहे हैं? हमने मुल्क के से बाहर भी भेजे इन्विटेशन, यूके, कनाडा, बल्कि मुझे खुशी की बात है कि यूके से भी कुछ दोस्त आए जो वहाँ पे ऐसे स्पीकर वहाँ मौजूद होंगे। ठीक है, ठीक है। इसी तरह हमने तो दुनिया भर में एक मैसेज दिया पीस पे, मैसेज फॉर पीस। और असल में भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन बनाने के पीछे भी मेरा एक मकसद है जी, कि भगत सिंह हमारा पाकिस्तान का बेटा और हिंदुस्तान का हीरो कह सकते हैं, पाकिस्तान के लोगों का भी वो हीरो है जी। उसका प्लेस ऑफ बर्थ पाकिस्तान में है, वो जहाँ पैदा हुई इस धरती पर, सब जमीन पे उन्होंने जन्म लिया। बिल्कुल सही। और हमारे बेटे हैं, ये भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन की बुनियाद इसलिए रखी थी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के सरबराह दोनों मिल बैठे। बिल्कुल सही। और दोनों मुल्कों की आवाम जो कि गुर्बत की लकीर से भी नीचे की जिंदगी बसर कर रहे हैं, वहाँ पर इंकलाब आ सकता है, माली खुशहाली आ सकती है, गुर्बत दूर हो सकती है, बेरोजगारी का खात्मा हो सकता है, माशी इंकलाब आ सकता है। लेकिन हमें क्या करना होगा, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को बुनियाद बनाकर आगे बढ़ना होगा, आगे बढ़ना होगा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा इम्तियाज साहब के इतना बड़ा जो है वो ये मामला चलता रहा, 91 साल बाद जो है वो इस केस का जो है फैसला सुनाया गया और अब आपने इन्विटेशंस भी भेज दी हैं, बरसी मनाने की तैयारियां भी जो है वो कंप्लीट आपने कर ली हैं, तो ये इसमें सिक्योरिटी के हवाले से आप कितने मुतमइन हैं? सीसीपीओ साहब ने जो है वो जी लाहौर हाईकोर्ट के शुक्रगुजार दिल की गहराइयों से कि हमें उन्होंने फुल प्रूफ सिक्योरिटी का हुक्म दिया। सही सही, बिल्कुल ठीक। हाईकोर्ट के शुक्रगुजार हैं जी कि उनका फोकस हर जगह पे, और वो लोग जो लोग जाते हैं अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं वो इंसाफ फराहम करती है। बिल्कुल ठीक। आज के हमारे इस केस से ये बात यहाँ है कि लाहौर हाईकोर्ट ने एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया और सीसीपीओ लाहौर को डायरेक्शन जारी की जी सिक्योरिटी के लिए। अच्छा, एक और बात खास मैं आखिरी सवाल आपसे करने लगी हूँ, भारत में बड़ा वावेला इस चीज पर मचा हुआ है कि 91 साल बाद एक केस का फैसला पाकिस्तान की अदालत ने सुना दिया, भगत सिंह की बरसी मनाने के ऑर्डर्स जो है वो जारी कर दिए गए हैं, लोग जो है वो अब पाकिस्तान आएंगे, एक और वार हो गया भारत पे, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मैं इसे अच्छी नजर से देख रहा हूँ, आने से गिले शिकवे दूर होंगे, नफरतें कम होंगी, मफ्तें बढ़ेंगी। हाँ। करतारपुर कॉरिडोर हमने खोला, हमारे वजीर आजम ने और आर्मी चीफ ने, आर्मी चीफ का बहुत बड़ा रोल है इसमें, बहुत बड़ा रोल है करतारपुर कॉरिडोर खोलने का। बिल्कुल सही। और हमारी तापसन वजह से वो खुला है, और अब आप जल्द देखेंगी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इंशाल्लाह हुसैनी वाला बॉर्डर जहाँ भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की आखिरी रसूमत अदा की थी उसे पाकिस्तान शहरियों के लिए भी खोल रहे हैं और तैयारियां आखिरी मरहल में है। गुड न्यूज मिलेगी आपको। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। मैं आखिर में आपका, आपके अदारे का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि मुझे मेरी गुजारिश पेश करने का आप लोगों ने मौका फराहम किया। शुक्रिया मेरी बहना, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला इस मुल्क का, कौम का, हम सब का हामी और नासर हो। बिल्कुल, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद, हमेशा ये नारा हमारी जुबान पर होता है और ये नारा हम मरते दम तक लगाते रहेंगे क्योंकि हम यहाँ अकलियतों के तहफ़ के लिए जो है वो जंग लड़ रहे हैं। ये इतना आसान नहीं होता किसी मुल्क के लिए। आज़म साहब, आप इस पर जो है वो क्या कहेंगे? और आपने जो है इम्तियाज़ साहब की बात भी सुनी, तो फिर इस पर जो है वो हमें, ताकि हम इसको कंक्लूड करें अपनी बात। जी बिल्कुल, इम्तियाज़ राशिद कुरैशी की आपने बात सुनी है कि सबसे पहले पाकिस्तान की बात हुई है कि पाकिस्तान में अकलीतें जो है मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं, पाकिस्तान में अदालतें भी मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं, और ये भी इम्तियाज़ राशिद कुरैशी ने कहा कि हाईकोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला दिया है। बिल्कुल, ये वाकई बहुत बड़ा लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से फैसला सामने आया है। साहब, क्रिटिसाइज करने पे आए तो क्रिटिसिज्म तो हर जगह फैला पड़ा है ना, नेगेटिविटी फैलाने पर आए तो इतनी नेगेटिविटी फैल सकती है कि जिसकी कोई बात नहीं है, लेकिन पॉजिटिव रहना हमारा मंशूर है, पॉजिटिव रहना कोहिनूर न्यूज़ की एक खासियत है और हम पॉजिटिविटी को फैलाते हैं, हम नेगेटिविटी से दूर रहते हैं, इसीलिए हम हर पहलू में से पॉजिटिव पहलू जो है वो ढूंढकर सामने लाते हैं, नेगेटिविटी पर हम जो है वो बात नहीं करते। जी भैया, ये भी केएन न्यूज़ चैनल का ही क्रेडिट है जो इस वक्त इम्तियाज राशिद कुरैशी भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे और आज हम भगत सिंह की भी बात की और इसके साथ ही साथ हमने जो अकलीतें आज़ाद हैं वो पाकिस्तान में, ये मैसेज हम नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे बहुत भी दिया। आज़म साहब आपका, आप मेरे साथ जो है वो मौजूद रहे और इसी तरीके से जो भी रिपोर्ट हमारे पास आती है हम आपके साथ जो है उसको शेयर भी करते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर मैं एक ब्रेक लूँगी, ब्रेक के फौरी बाद हाजिर होते हैं, तब हमने बात करनी है बहुत ही ख़ास और अहम मौजू पर, ज़िंदगी का एक और बुनियादी हिस्सा जिसको कहते हैं पानी। आज वर्ल्ड वाटर डे भी मनाया जा रहा है, इस हवाले से हमारे पास रिपोर्ट भी है, बात भी करेंगे, लेकिन ब्रेक, ब्रेक के फौरी बाद मिलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। We'll be right back.
वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कोहिनूर। अभी बात करेंगे, आज है वर्ल्ड वाटर डे। पानी जो एक बुनियादी सहूलत भी है और ज़रूरत भी है। अगर ये सहूलत मुयसर ना हो तो एक इंसान शायद अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा जो है वो तकलीफ़ में गुजार दे, क्योंकि अगर आपको पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा तो आप प्यास से ही मर जाएंगे। अगर आपको नहाने के लिए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल के लिए पानी मुयसर नहीं होगा तो आपका सारा दिन जो है आप कोई काम नहीं कर पाएंगे। आने वाले वक्त में जो पेशन गोई है पाकिस्तान के लिए वो ये है कि जितना पानी आप सेव कर लेंगे बचत हो जाएगी, क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल लेवल के सर्वे देखें और नेशनल लेवल का भी सर्वे देखें तो इस वक्त में पाकिस्तान में पानी की किल्लत मौजूद है। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले वक्त में जो डैम्स हैं उनका क्रिएट ना होना, क्योंकि एक डैम बनाने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा एक तो लागत चाहिए होती है, दूसरे कुछ जो है वो असेसमेंट्स चाहिए होती हैं, मामला चाहिए होते हैं, इसको जो है वो प्रोसीजर में लाने के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं, प्लानिंग चाहिए होती है, जो कि अभी फ़िलहाल पाकिस्तान ने जो है वो इस पर आने वाले वक्त में कोई खातर ख्वाह काम नहीं किया। लेकिन डैम्स बन रहे हैं, बनेंगे ऐसा हम सुनते आ रहे हैं, और ये पानी की किल्लत जो है वो आने वाले टाइम में पाकिस्तान में अगर मज़ीद बढ़ गई तो फिर कहीं खुश्क साली या कोई ऐसी सिचुएशन ना हो जाए। भारत को अगर आप देखें तो भारत में डैम मौजूद हैं, पानी जो भारत से पाकिस्तान की तरफ आता है आए दिन जो है वो किसी ना किसी मामले पे वो पानी जो है वो बंद करने की साजिशें करते रहते हैं। हमारे डैम जो है वो इस वक्त इतने पानी उसमें मौजूद नहीं है कि आने वाले वक्त में उनको सेव किया जाए या लोगों तक पहुँचाया जाए। आबादी बढ़ रही है, मसाइल बढ़ रहे हैं, वसाइल कम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वर्ल्ड वाटर डे पे जिस तरह से पूरी दुनिया में ये डे मनाया जाता है, पाकिस्तान ने भी इस डे को मनाने का एहतमाम किया है। और ख़ास तौर पे वासा लाहौर, जो वीसी वासा अभी है शेख इम्तियाज़ साहब, उनकी कुछ काविशों जो हैं सामने आई हैं, उन्होंने कुछ इम्प्लीमेंटेशन की हैं वाटर सेविंग के हवाले से, कुछ वाटर को जो है वो पानी को बचाने के हवाले से। तो हमारे रिपोर्टर कामरान अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी एक रिपोर्ट उन्होंने तैयार की है वर्ल्ड वाटर डे के हवाले से, वासा के हवाले से, कि पानी को कैसे सेव किया जाएगा, क्या क्या इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, क्या क्या चीज़ें जो है वो सामने आएंगी। तो ज़रा ये रिपोर्ट देखते हैं और उसके बाद कामरान साहब से बात करते हैं। जिंदगी है और पानी की अहमियत को उजागर करने के लिए आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाटर डे मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में भी ये दिन पानी की अहमियत को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। लाहौर में सबसे बड़ी वाटर सप्लाई कंपनी वासा ने खातिर ख्वाह इकदाम किए जिससे तेजी से कम होते हुए पानी को बचाया जा सके, मगर बतौर शहरी हमारी कितनी जिम्मेदारी है और हम किस हद तक पानी को बचा सकते हैं? आज अगर पानी को ना बचाया तो हमारी आने वाली नस्लें इस नेमत से महरूम हो सकती हैं। लाहौर की आबादी इस वक्त 2.5 करोड़ के करीब है, जिसमें वासा के 7,50,000 सार्फीन है। पानी एक नेमत है और इससे बचाने के लिए अगर हमने खुद से खातिर ख्वाह इकदाम ना किए तो आने वाले दौर में मसाइल दरपेश हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, अगर आने वाले वक्त में हमने पानी को ना बचाया, महफूज ना किया, सेफ ना किया, तो फिर आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए जो है वो पानी की किल्लत दे सकता है। इसीलिए वासा के ये ज़रूरी इंतजाम जो हैं, जो अहतमाम हैं, इस पर हमारे मामलात और चीज़ें जो है वो हम आपको रिपोर्ट्स दिखाते रहते हैं। कामरान साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। कामरान साहब, ये रिपोर्ट आपने बनाई वासा का, ये जो एक इम्प्लीमेंट है पानी को सेव करने के हवाले से, इसमें लोगों को भी तो कुछ अहम किरदार अदा करना चाहिए। लोगों को भी अपने घरों में जो है वो पानी को सेव करने के लिए, अगर किसी की टूटी खुली हुई है, पानी का जो है वो नल खुला हुआ है तो वो खुला ही रहता है, पानी उसमें से टपकता रहता है, ज़ाया होता रहता है, या बेजा जो है वो गाड़ियाँ धोई जाती हैं, बाइक्स धोई जाती हैं जिन पर पानी का जो है वो ज़ाया होता है, ये भी तो पानी को जो है वो ज़ाया करने वाले इम्प्लीमेंटेशन हैं जो लोग कर रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नबीहा, आपने वक्त दिया। मामला यह है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसको अल्लाह ने 4 मौसम भी दिए और यहाँ पर बारिशें भी जो हैं वो वाफिर होती हैं, मगर अफसोस से हमारे मुल्क को ऐसे हुक्मरान ना मिल सके जो पानी को सेव कर सके, या कुछ ऐसे अदारे काम ना कर सके कि पानी को जो है वो सेव किया जा सके। बिल्कुल सही। यही वजह है कि हमारे कई देहातों में जो है वो सैलाब, पानी जो है वो सैलाब की नज़र हो जाता है, लोगों की गायें भैंसें इवन के उनके घर तक जो है वो सैलाब में बह जाते हैं, मगर हम पानी को जो है वो सेव नहीं कर सकते। आज वर्ल्ड वाटर डे मनाया जा रहा है और इस दिन का जो मकसद है वो ये है कि हम पानी को कैसे बचाएं, खास तौर पर पीने वाले पानी को। और पीने वाला पानी आप उन इलाकों में देखें, इसकी कदर वहां पर महसूस होती है जहां पर लोगों को मीलों सफर तय करके जो है वो कुओं के जरिए और जो भैंसों को बांध के कुल्लू का अरेंज किया जाता है और वो पानी बाहर आता है, कहीं किसी जगह में भी पानी का ज़िया है। और अगर आप जो है वो गांव की तरफ रुख कर लें तो वहां भी पानी का ज़िया है। ये पानी जो इतना ज़ाया किया जा रहा है, आने वाले वक्त में अगर बूंद बूंद तरस गए तो फिर मामला क्या होंगे। वासा का जो ये एक
एक अहम कदम है, इस हवाले से जरा रोशनी डालेगा। वासा इंतजामिया की जानिब से कुछ ऐसा इकदाम भी किए हैं गए हैं, एक तो इन्होंने वाटर को सेव करने के लिए भी जो है वो प्लान बनाए हैं, और किसी जगह पे इन्होंने ऐसे डिस्पोजल स्टेशन भी बनाया है जहाँ पे पानी को जो है वो स्टोर किया जा रहा है, ताकि सतह जमीन से जो पूरी दुनिया में पानी का लेवल नीचे जा रहा है उसको जो है वो कम किया जा सके, और उसमें खतर ख्वाह कमी भी आई है। दूसरी जानिब इन्होंने जो ट्यूबवेल की टाइम्स हैं उनको एक रिजर्व कर दिया है, और एक मतलब मुतलका टाइम के मुताबिक जो है वो ट्यूबवेल्स को ये चलाते हैं। अच्छा। ताकि शहरी जो है वो पानी जाया ना करें। पहले तो ये होता था कि मुसलसल ट्यूबवेल्स चलते थे, मुसलसल पानी आता था, मगर अब आपको सुबह दोपहर शाम और फिर रात के औकात में आपको पानी जो है वो वासा इंतजामिया की तरफ से मुयसर। एक तो इससे भी पानी के लेवल में कमी आई, मतलब पानी का लेवल जो है वो नीचे ना गया और जाया नहीं हो रहा पानी। दूसरा ये स्मार्ट वाटर मीटरिंग के ऊपर भी जो है वो काम कर रहे हैं, कुछ दिनों के बाद जो है वो मीटर भी आएंगे कि आप जितना पानी इस्तेमाल करेंगे उतना ही आपको बिल आएगा। और शहरी पाकिस्तानी कौम जो है वो बड़ी समझदार कौम है, और अगर इसको अवेयरनेस दी जाए तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत उमदा कौम है, और ये सारे मामला पाकिस्तानी आवाम पानी जाया करती है ना तो टिका के बिल आएंगे। लेकिन अगर हम इन्हें समझाएं और इन्हें अवेयरनेस दें तो मैं समझता हूँ इस दिन की मुनासिबत से, चूंकि आज का दिन जो है वो वर्ल्ड वाटर डे है, और अगर लोग इसको समझें कि हमने अपने लिए नहीं, हमने अपने अच्छा भी है कि एक ये बिलिंग सिस्टम आ जाएगा कि जाहिर है आपने जितनी बिजली यूज करनी है उतना आपको बिल आना है, आपने जितना पानी यूज करना है उतना आपको बिल आना है, आपने जितनी गैस यूज करनी है उतना आपको बिल आना है। इसमें मैं आपको बताऊँ की जो ये इन्होंने ट्यूबवेल्स की टाइमिंग बनाई है इसमें वासा का जो बिजली का बिल आता था उसमें भी खौतर खुआ कमी वाकई हुई है। अच्छा। उसमें ये हुआ है की अब ट्यूबवेल कम चलता है, अब 50% चलता है, तो बिल में भी उतने ही कमी आई है। पहले करोड़ों में बिल आते थे तो जो अब कम हुए हैं, और ये इसको मजीद बेहतरी के लिए एमडी वासा मोहम्मद तनवीर जो हैं वो उन्होंने एक और ऐसे इकदाम उठाने जा रहे हैं कि वो ट्यूबवेल्स को जो है वो सोलर सिस्टम पे लेकर आ रहे हैं। अच्छा। जिसकी वजह से जो लेस्को का जो बिल इन्हें आता है वो खत्म हो जाएगा, और सारी जो बिजली ट्यूबवेल के लिए जनरेट होती है वो सिर्फ सोलर सिस्टम के तहत जो है वो दी जाएगी, सिस्टम के तहत हो जाएगी। तो ये सोलर सिस्टम जो है वो मुआविन साबित होगा, इसका जो एक लेवल ऑफ स्टैंडर्ड है वो बरकरार रखने में कामयाब हो सकेगी। बिल्कुल मैडम, जी बिल्कुल ऐसे ही है नबीहा, इसकी पहले स्पेसिफिकेशन देखी जाएगी। हाँ। कि ये कितने वोल्टेज जो है वो ट्यूबवेल लेता है, फिर उसके मुताबिक जो है वो उसकी प्लेट्स सोलर सिस्टम की जो उसके ऊपर नस्ब की जाएंगी, और इसको सोलर एनर्जी को जो है वो सेव भी किया जाएगा, ताकि रात के ओकार में भी अगर ट्यूबवेल चलाना पड़े तो वो सिस्टम के अंदर उतनी बिजली मौजूद हो ताकि जो ट्यूबवेल्स हैं वो आगे रन कर सके। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जब हम देखते हैं कि पानी जाया होता है घरों में, अब जब ये मीटर सिस्टम जो है हो जाएगा, ये डिजिटल मीटर सिस्टम है, ये मीटरिंग सिस्टम ऐसा है, इसके तो जो इसका इक्विपमेंट है सामान है वो बाहर से आएगा। अच्छा। और इसकी वो फैक्ट्री है वो पाकिस्तान में लगाई जाएगी, उससे नौकरियां भी जनरेट होंगी। उसमें ये होगा कि ऑनलाइन सिस्टम होगा, मतलब उस मीटर में चिप होगी जो कि ऑनलाइन वासा इंतजामी अपने ऑफिस में बैठ के जो है वो उसको बिल को जनरेट किया जाएगा, मतलब मीटर रीडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो ऐसा उसमें निज़ाम ऐसा लाया गया है कि उसके मुताबिक आपको उनको पता चल जाएगा कि इतने यूनिट इस्तेमाल हुआ। मैं आपको जरा थोड़ा और ब्रीफ कर दूँ, बताता चलूँ कि एक आम जो शहरी है जिसका 3 मरले का घर है उसको वासा इंतजामिया की जानिब से 4000 गैलन के मुताबिक जो है वो बिल आता है। आप मैं समझता हूं कि आम घर में 4000 गैलन पानी एक महीने में इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन जो बिल फिक्स किया गया 300 कुछ रुपए उसके मुताबिक आपको एक जो डोमेस्टिक घर है वो बिल आता है 3 मरले का 300 कुछ रुपए। उसमें आपको सीवरेज की सहूलत भी दी जाती है, उसका बिल सीवरेज का भी उसमें ऐड है और पानी का भी। अच्छा, अब इसी तरह अगर 5 मरले पे जाते हैं तो उसको 7000 गैलन का जो बिल है वो चार्ज किया जाता है। अच्छा, अब अगर आपने एक माह में 2000 गैलन पानी इस्तेमाल किया, 2000 आपने सेव कर लिया, तो बिल आपका जो 300 था वो 150 रुपए। अभी ज्वाइन किया है डायरेक्टर PR वासा ने, फखर हयात पट्टू साहब ने, उनसे जरा बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी फखर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताइएगा कि आज वर्ल्ड वाटर डे मनाया जा रहा है, और इस हवाले से वासा के हवाले से हम बात कर रहे थे कि आपने बहुत अच्छी इम्प्लीमेंटेशंस की हैं, जरा खुद भी बता दीजिए ताकि हमारे नाजरीन भी जो है वो जान सके। जी जी, इस सिलसिले में वासा पंजाब ने और आला अदलिया ने तमाम तर इकदाम उठाए हैं जिनके जरिए से हमने जो पानी का ज़िया है उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया है। उस सिलसिले में वासा ने अपनी जो ट्यूबवेल्स की टाइमिंग है, पहले 18 से 20 घंटे हमारे ट्यूबवेल्स चलते थे, वो अब कम करके हमने कर दी है 10 घंटे के लिए। अच्छा। जिससे 400 मिलियन गैलन की हमें रोजाना की बुनियाद पे जो वाटर सेविंग है वो हो रही है। ठीक है। प्लस हमने जो रेन वाटर के लिए स्टोरेज के ग्राउंड वाटर टैंक्स हैं वो एक हमारा ऑपरेशन है लाना स्टोर पे, जी ठीक है, 2 पे काम हो रहा है और होपफुली के वो मॉनसून सीजन से पहले इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा। उससे जो हमारा ग्राउंड वाटर का टेबल है वो चार्ज होगा, प्लस वो PHA के जो पौधे हैं जो वहाँ पे उन्होंने पानी लगाते हैं ठीक है टैंक के जरिए,
पहले वो फ्रेश वाटर लगा रहे थे, अब हमने उनको उससे फ्रेश वाटर से रोक के, तो ये जो पानी है बारिश का होगा ये पानी वो वहाँ इस्तेमाल करेंगे। अच्छा। प्लस इसके साथ हमने जुडिशियल वाटर कमीशन के ऑर्डर्स की रोशनी में जो लोग वायलेशन करते हैं, यानी पीने के पानी से गाड़ियां धोते हैं, फर्श धोते हैं, अपने गेट की रैंप्स वगैरह धोते हैं जी, उन पे पाबंदी याद की है, और खिलाफ वर्जी की सूरत में 2000 तक का हम उनको जुर्माना करते हैं डॉल्फिन फोर्स के जरिए। अच्छा, बिल्कुल सही। तो इसके सारे इकदाम करने का जो मकसद है वो ये है कि हम पानी का जो दुरुस्त इस्तेमाल है वो करें। पानी एक नेमत है, बिल्कुल, और इस नेमत का दुरुस्त इस्तेमाल किया जाए। शहरों को हम ये रियलाइज करवाने की कोशिश कर रहे हैं और एहसास पैदा करने की और जिम्मेदारी। और इसके बाद जो है हमारा एक मेगा प्रोजेक्ट आ रहा है कि हम लाहौर को 100% वाटर मीटर्स पे लेके आ रहे हैं। हाँ, ये बड़ा प्रोजेक्ट है आपका, इसमें किस हद तक जो है इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है और कितना जल्दी जो है आप इसको स्टार्ट करने वाले हैं? ये इंशाल्लाह ताला जी आने वाले 6 महीनों में कहना की यहाँ पे फैक्ट्री पाकिस्तान लगने जा रही है जी। कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट सीएम साहब की मौजूदगी में हो चुका है, साइन हो चुका है, अब वो इंशाल्लाह ताला फैक्ट्री लगाएंगे और मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाएगी जी। तो अगले 2 साल में इंशाल्लाह पूरा लाहौर जो होगा ना हमारा 8 लाख से अभी जो ज्यादा कंज्यूमर है उनको भी वाटर मीटर्स लग जाएंगे और इन फ्यूचर भी हम इंशाल्लाह ताला तमाम कनेक्शन पे वाटर मीटर। अच्छा, इन वाटर मीटर्स का फायदा क्या होगा फखर साहब, वासा को इसका फायदा क्या होगा, एक आम जो इंसान है वो ये यूज कर रहा है, क्या इससे बिल ज्यादा तो नहीं हो जाएंगे? लोगों के जहनों में ये बहुत बड़ा सवाल है। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पहले हमारा जो रेट है वो है मरले के हिसाब से, घर के साइज के हिसाब से, ठीक है। उसमें जो लोग कम पानी इस्तेमाल करते हैं उनको भी बिल उतना आता है, जो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनको भी उतना अभी आता तो है। फिक्स है बिल जी, बिल्कुल फिक्स है। तो इससे ये होगा कि पानी इस्तेमाल करने में लोग ख्याल रखेंगे कि पानी कम इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि मीटर लगा होगा, रीडिंग के ऊपर बिल आएगा, जितना इस्तेमाल उतना बिल, सही। तो लोग उस सेंस में पानी मुनासिब इस्तेमाल करेंगे जरूरत के मुताबिक, सही। तो उससे उनका बिल कम होगा। और वासा के लिए फायदा ये होगा कि एक तो हम चूंकि रीडिंग पे ले जाएंगे सब अपने कंज्यूमर को, ठीक है, और जितना किसी का बिल होगा उतना ही पे करना पड़ेगा, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होंगे। अच्छा। और मीटरिंग के हवाले से ये होगा कि फिर जो हमारा एक्चुअल बिल होगा उसके ऊपर कंज्यूमर पे भी आसानी से कर देंगे, किसी का कोई इशू नहीं होगा, किसी को कोई इस पे कंप्लेंट भी नहीं होगी, कंप्लेंट भी नहीं होगी। अगर बिल फर्ज आपका ये प्रोजेक्ट जो भी आप स्टार्ट करने वाले हैं इससे आवाम को कोई तकलीफ या कोई परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो उसमें रद्दो बदल की भी गुंजाइश है, या बस मीटर फिक्स हो गया, जितनी जो है वो रीडिंग आ गई उसके हिसाब से जो है वो सारिफ को बिल पहुंच जाएगा? इसमें ऐसे है कि हम इंशाल्लाह ताला ये सारा मॉनिटरिंग सिस्टम इस पे रखेंगे, फीडबैक भी लेंगे अपने कंज्यूमर से, हमारा कंज्यूमर जो है वो हमारे साथ इंटैक्ट रहेगा इस सिलसिले में, ठीक है। और हम सारी ये स्काडा के थ्रू रीडिंग करेंगे, इसमें मैनुअल रीडिंग भी नहीं होगी। अच्छा, यानी को मीटर रीडर जाके तंग नहीं करेगा कि कम यूनिट हो जाएंगे ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। और ये हम थ्रू स्काडा इसकी रीडिंग लेंगे, ठीक है। तो उससे फिर ये होगा कि जितना पानी को इस्तेमाल करेगा उतना ही बिल, और लोग हमें खुद भी कहते हैं आके, अच्छा, कि अगर हमारे मीटर्स लग जाएं तो ये हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा, ताकि हम जो पानी इस्तेमाल करें उसी के मुताबिक बिल जमा करें। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, मतलब आप समझते हैं कि आवाम के लिए जो है वो ये फायदेमंद साबित होगा? जी बिल्कुल फायदेमंद साबित होगा, और पानी का जो आपको पता है इस वक्त मसला पूरी दुनिया का जी, बिल्कुल है, पाकिस्तान का या लाहौर का मसला नहीं है, पूरी दुनिया का मसला है। तो अगर हमने एहतियात अभी से शुरू ना की और पानी के बारे में अपना शऊर और इसके बारे में ये जो हमारा फिक्र है या हम समझते हैं कि पानी तो लामहदूद है तो खत्म नहीं हो सकता, सही, बिल्कुल, इसको अगर हमने चेंज ना किया, माइंड सेट को चेंज ना किया, तो हो सकता है कि आने वाली नस्लें जिस तरह हम पानी फरावाने से इस्तेमाल कर रहे हैं शायद वो ना कर सके। अच्छा, ये बताइएगा, बहुत अच्छा, पहले जो है वो ये कहा जा रहा था कि ये मीटर जो है वो जल्द लग जाएंगे, लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि 6 महीने तक जो है वो ये प्रोसेस ऑन हो जाएगा या चल जाएगा या कंप्लीट आप इसको जो है वो कर लेंगे, तो इसमें जो बजट आपको इशू किया गया है हुकूमत की तरफ से, हुकूमत पंजाब की तरफ से, तो वो उस हवाले से जरा बताइएगा कि उसमें भी कुछ देरी है या अभी तक आप लोगों को जो है बजट मिल चुका है इसका? असल में ना ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे हो रहा है, ठीक है, तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब भी सपोर्ट कर रही है और वासा जो है वो इसको सारे मैटर को टेकअप किए हुआ है, अपने टाइम फ्रेम के मुताबिक सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है। एग्रीमेंट के एग्रीमेंट साइन होने का टाइम ये एग्रीमेंट साइन हुआ है, अब एग्जीक्यूशन का टाइम और ये सारी चीजें डिटेल एग्रीमेंट में लिखी हुई है, तो अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट वो हम चलेंगे इसमें, ठीक है। तो कंपनी जो है वो बड़ी एक्सपर्ट है इस मैटर में, ठीक है, और उनको ये उम्मीद है कि वो 1 साल में मैक्सिमम मीटर लगा देंगे।
डॉक्टर साहब एक मुझे जवाब दीजिएगा, ये मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर वैसे भी मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ कि पौधे जो है वो जानदार है आते हैं, जाहिर है कि उनको साफ पानी की जरूरत है, खुली हवा की जरूरत है, ना हो तो पौधे जल जाते हैं। आपने कहा कि बारिश का पानी जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा पौधों को देने के लिए, पीएचए को दिया जाएगा। बारिश का पानी खारा पानी होता है, नमक ज्यादा होता है, आप इसमें जो है वो किस तरह इसकी फिल्टराइजेशन करके जो है वो पौधों के लिए इसको इस्तेमाल के काबिल बनाएंगे, जरा प्लीज इसका मुझे जवाब दीजिएगा। जो बारिश का पानी होता है ना जी, वो नेचुरल वाटर होता है, और वो जो पानी लाहौर में जो बारिश होती है या हमारे पंजाब में बारिश होती है, वो इस कदर खारी नहीं होती कि वो पौधों के लिए नुकसानदेह। आपने देखा होगा जब बारिशों का सीजन शुरू होता है तो पौधे बड़ी ग्रोथ करते हैं जी, तो बारिश का पानी जो है वो इतना खराब नहीं होता। आप इसको एज इट इज, मेरा पूछने का मकसद ये, एज इट इज इसको यूज किया जाएगा या कुछ फिल्टर करके यूज किया जाएगा? एज इट इज भी कर ले तो इसमें कोई इशू नहीं, क्योंकि लास्ट ईयर हमने ये प्रैक्टिस की है। अच्छा, की है, ठीक है, इसका कोई ऐसा साइड इफेक्ट सामने नहीं आया। ठीक है, बहुत शुक्रिया फखर हयात बटू साहब आपका कि आपने जो है वो हमें ज्वाइन किया, और वासा की तरफ से जो इंतजामात पानी को बचाने के लिए किए जा रहे हैं उस पर आपने बात की। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं कामरान से। कामरान, क्या कहेंगे ये बारिश का पानी जो पौधों को दिए जाने के इंतजामात किए जा रहे हैं वासा की तरफ से, एज अ रिपोर्टर हम आप अगर इस चीज़ को देखें तो आप ये ठीक समझते हैं? बिल्कुल ठीक है ये, चूँकि देखें अगर जहाँ पर साफ पीने का पानी पौधों को फराहम करना है वहाँ पर वो इंसानों के काम आ जाएगा, और ये जो बारिश का पानी है जो किसी काम नहीं आता। और मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि हमारे मुल्क का ये अलमिया रहा है कि हमने कुछ ऐसी चीज़ें नहीं बनाई कि हम बारिश का पानी जो है उसको स्टोर कर सकें, और अगर ये वासा इंतजामिया कर रही है तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा है। और आप एक चीज़ नेचुरल भी है कि अगर आप देखें कि जब बारिश होती है तो उसके बाद सब तमाम जो दरख्त हैं वो खिल जाते हैं, और जो बारिश का पानी पौधों को मिलता है तो कुदरती तौर पर उनकी जो ग्रोथ होती है। इससे पहले फखर याद बट्टू भी यही बता रहे थे कि जो पंजाब की बारिश है, जो पंजाब का पानी है वो इतना खारा नहीं होता, हम उसको जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी जानिब वाटर मीटर से ये तो फायदा होगा कि शहरी जितना पानी इस्तेमाल करेंगे उतना बिल पे करेंगे, दूसरी जानिब ये भी होगा कि हम अपने नल भी ठीक करेंगे। एक बात मैं आपको कहूंगी, ये मैं अभी आपको जो है वो अपने प्रोग्राम में ये इंकशाफ है, आप इसे कह लें या प्रेडिक्शन कह लें या जो भी कह लें, बारिश का पानी मुसलसल पौधों पर जब इस्तेमाल होता है तो उनकी कारकर्दगी में, उनके पत्तों में, ग्रोथ में फर्क आती है। आप ये बात मेरी लिख लें आज के प्रोग्राम में, और आने वाले वक्त में जो है वो वासा इस बात को जो है वो मानेगा और इस चीज़ को जो है वो एक्सेप्ट करेगा कि बारिश का पानी मुसलसल आप पौधों को पानी देने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मुसलसल बारिशें हों तो पौधों की हालत और कंडीशन क्या हो जाती है ये भी हमें जो है वो नोट करना चाहिए। बहरहाल जी, इस पर कोई पॉइंट पर बात करना चाहता है तो जरूर कर सकता है, आप इस पर जो है वो कमेंट भी कर सकते हैं मुझे कि क्या बारिश का पानी जो है वासा इस्तेमाल करने जा रहा है पौधों के लिए, इज इट राइट गुड कि हमेशा फिर वही पानी इस्तेमाल होगा, साफ पानी जो है वो इस्तेमाल नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आपका कामरान, आपने हमें ज्वाइन किया, और मजीद भी आपकी रिपोर्ट हम प्रोग्राम में शामिल करते रहेंगे। नाजरीन, साफ पानी बहुत बड़ी नेमत है। आज पाकिस्तान जैसी एक बड़ी कंट्री जो है वो पीने के साफ पानी से भी इसलिए महरूम है कि हम पानी ज़ाया करते हैं। आज एक अहद कर लीजिए कि हमने पानी को ज़ाया नहीं करना है, और ख़ास तौर पे जो आने वाला वक्त है उसमें पानी को सेव करना, इसको अपने पास महफूज रखना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए इम्प्लीमेंटेशंस हो रही हैं। अब ये इम्प्लीमेंटेशंस कितनी हमारे लिए यूज़फुल साबित होती हैं ये भी आने वाला वक्त ही बताएगा, कबल इस वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, क्योंकि कल सुबह फिर आपसे मुलाकात करनी है लेटेस्ट अपडेट के साथ, पॉलिटिकल इशूज़ के साथ, और आपके सोशल इशूज़ के साथ, आपकी आवाज़ पहुँचानी है आला हुकाम तक, तो इसके लिए तैयारी करनी है। मुझे इजाज़त दीजिएगा, कल फिर मिलेंगे नई सुबह, नए आगाज़, नए अंदाज़ के साथ।